उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय दिव्य कला और कौशल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वहीं 3 दिवसीय कला और कौशल प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि दिव्यांगजन में असीमित अंतर्निहित प्रतिभा होती है, बस जरूरत उस प्रतिभा को तराशकर मंच देने की है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन सरकार और समाज के प्रोत्साहन के हकदार हैं और इसी प्रोत्साहन की अपेक्षा भी करते हैं। वहीं दिव्यांगजन के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी व्यक्ति में कहीं से कोई कमी रहती है तो ईश्वर उसकी प्रतिपूर्ति कर देते हैं। सीएम योगी ने कहा कि उपनिषदों के जरिए समाज का मार्गदर्शन करने वाले महर्षि अष्टावक्र, महाकवि सूरदास और वर्तमान समय में जगतगुरु रामभद्राचार्य इसके उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कर उन्हें दिव्यांगजन की प्रतिभा को और नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। उपस्थित महानुभाव और प्यारे बच्चों, आज यहां पर 3 दिवसीय दिव्य कला और कौशल प्रदर्शनी का उद्घाटन करके दिव्यांग जनों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को और भी नजदीक से देखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए सभी संबंधित महानुभावों को, संस्थाओं को और इन सभी दिव्यांग जनों को हृदय से इनका अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं, इनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश ईश्वर अवतरण की भूमि है और उत्तर प्रदेश देश का संभवतः पहला राज्य होगा जिस राज्य में दिव्यांग जनों के लिए 2 विश्वविद्यालय सरकार के स्तर पर संचालित है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा दिव्यांग विश्वविद्यालय लखनऊ में और जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में संचालित है। दोनों विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए जो छात्र हैं उन्होंने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शनी को भी यहां पर प्रस्तुत किया हुआ है।